नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटास 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप एक पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कैसे मल्टीपल ईमेल्स को मेल भेज सकते हैं। तो चलिए हमारी अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे दो वेबसाइट्स का लिंक मिलेगा। आपको इन वेबसाइट से अपने कंप्यूटर के अंदर ये दो रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। याद रखें कि आप पाइथन का यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर ले अपने डिवाइस के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा। आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विंडोज, डेबियन या फिर मैक ओएस, इन दोनों डिपेंडेंसीज को आप ठीक उसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि आप गेम्स को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे ये मेरी पाइथन स्क्रिप्ट का लिंक है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको बल्क ईमेल सेंडर डॉट पी वाई वाली फाइल को ओपन करना है और इसमें जो रॉ इसको फाइल को रॉ में ओपन कर लेना है। और इस स्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे मेल को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट है, मैं इस जीमेल अकाउंट को यूज करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं greymetasowner0@gmail.com। और आपको क्या करना है, सबसे पहले मैनेज योर अकाउंट सेटिंग्स में जाना होगा। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया जीमेल अकाउंट बना ले मेल्स को सेंड करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस में आना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे साइनिंग ऑप्शन में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दे जरूर। अगर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, एक ऐप पासवर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। तो ये यहाँ पे मेरे को पहले पासवर्ड मांग रहा है मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऐप करना है और ऐप के अंदर आपको इसमें मेल सेलेक्ट करना है और डिवाइस में आपको जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लूँगा। ठीक है, पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है। मैं एक बार जनरेट आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे एक ऐसा पासवर्ड आपको आएगा और फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। ये पासवर्ड जनरेट होने के बाद आप इस टैब को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक सीएसवी फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने अपने मेल्स को सेव किया हुआ है, जिसके अंदर मैं सेंड करूंगा जिन मेल्स पे मेरे को सेंड करना है वो। तो मैंने इन्हें रॉ में अरेंज किया है। यहाँ पे मेरा पहला ईमेल एड्रेस और दूसरा ईमेल एड्रेस जिन पे मैं सेंड करूंगा मेल को ऑटोमेटिकली पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारी इस पाइथन स्क्रिप्ट के आना है और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना। एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मेल्स के नाम पे, या कुछ कुछ भी आप दे सकते हैं फोल्डर को नाम। और इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद जो आपकी सी एस वी वाली फाइल है, जो आपकी मेल्स वाली फाइल है जो मैंने डी में सेव करी हुई है, उस फाइल को आप यहाँ से कट करके अपने इस नए फोल्डर के अंदर डाल दें। इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल का यहाँ पे नाम देख लेना है। इस फाइल का हमारा नाम है emails.csv और आपको यहाँ पे पाथ पे आ जाना है। पाथ पे यहाँ पे आपको टाइप करना है cmd और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है कोड स्पेस और डॉट और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड था जो हमने इंस्टॉल करा था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी होगी इस पर क्लिक करके, और इस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे mails.py इस फाइल को नाम दे देता हूँ। और लास्ट में आप एक चीज़ का याद रखें कि आप इस फाइल को लास्ट में py जरूर डाल दें, .py, ताकि हमारी ये पाइथन फाइल बन जाए। इसके बाद जो कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया था मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने अपने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। अब बस आपको यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक की तरह इसको फिल करना है। ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने तैयार कर दी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंडर में आपको वो ईमेल एड्रेस डालना है, वो जीमेल अकाउंट का एड्रेस डालना है जिसको आप यूज़ करेंगे सेंड करने के लिए मेल्स को। तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, greymetasowner0@gmail.com। ठीक है, इसके बाद ऐप पासवर्ड जो मैंने आपसे जनरेट करवाया था वही ऐप पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। याद रखना कि आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड डालना है, आप यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड ना डालें, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट के अंदर जो आपका मेल का सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में डाल देता हूँ ऑटोमेशन मेल। ठीक है, इसके बाद बॉडी के अंदर जो आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट है। तो हेलो, दिस इज ग्रे मैटर्स। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, ये मेरी बॉडी हो गई।
इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी CSV फाइल पाथ। इसमें आपको क्या करना है, अपनी CSV पाथ का फाइल यहाँ पे डालना होगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाऊँगा और इस पे जो हमारी CSV फाइल है इसका यहाँ पे पाथ को कॉपी कर लूँगा। पाथ कॉपी करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस जाना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इस पाथ को एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो इसमें cmd.exe लिखा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं। एक मिनट, ये वाला जो पाथ है वो पाथ गलत है, मैं इसको हटा देता हूँ। आपको ये पाथ यूज नहीं करना, आपको क्या करना है अपने इस फोल्डर को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप इस फोल्डर को दोबारा ओपन करें और दोबारा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो पाथ है ये कॉपी करना है और ये वाला पाथ आपको यहाँ पे फाइल के अंदर डालना होगा पाथ के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी स्लैश दिखाई दे रहे हैं इन स्लैश को आप डबल स्लैश कर दें, तभी हमारा जो कोड है वो ठीक से वर्क करेंगे। तो मैं इसको इन सबको डबल स्लैश कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल्स में लास्ट में डबल स्लैश डालना है और अपनी फाइल का यहाँ पे नाम डालना है। तो मेरी फाइल का नाम था emails.csv, ठीक है। हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ऊपर आके रन के ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हमारे मेल्स यहाँ पे सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे पहला मेल सेंड हो चुका है, दूसरा मेल यहाँ पे सेंड हो चुका है। उसके बाद हमारा जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इसने मेरे को दिखा दिया डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंड हो चुका है। अब मैं आपको अपने मेल बॉक्स चेक करवाता हूँ। ये दूसरा मैंने जो ओपन किया हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक न्यू मेल आया है। यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया था वो है और जो मैंने कंटेंट डाला था वो यहाँ पे है, हेलो दिस इज ग्रे मैटर्स। मैं आपको अपना दूसरा मेल बॉक्स भी दिखा देता हूँ, देखो आप यहाँ पे ये भी आ चुका है। तो इसी तरह से वर्क कर सकता है करता है और ऐसे ही आप CSV फाइल का इस्तेमाल करके कितने भी मेल्स के ऊपर मेल्स को सेंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।